मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और स्टार्ट करने का मौका नहीं मिला क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था और ऑलरेडी मैं बहुत लेट उठी, तो मैं बस उठते ही रेडी हुई हूँ और फिर आके मैंने पेपर दिए, उसके बाद मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। अच्छा नहीं है तो दिखाने की, पर क्या मेरा कौन सा कुछ जा रहा है। और ये रही महविश, अब ये भी चेंज करके आ गई है। और ये रहा हमारा GCR जिधर हम आके कभी भी नहीं बैठते, बट कभी कभी जब हमें चेंज करना होता है तो हम यहाँ आ जाते हैं। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं सैलून, क्योंकि मैरिज को हेयर कलर कराना है, फुल फैशन कराना है, मैनी पेडिक्योर कराना है। सो तो अब हम नीचे जा रहे हैं और महविश मुझे जूस पिलाएगी। महविश जूस पिलाऊंगी तो देखो तो कार्ड जाता है इनकी मशीन में शायद, पता नहीं मैंने कैमरा ऐसे मोड़ दिया वो आई कि नहीं। महविश जूस पिलाएगी ना, चला वो इधर देखो शमावा तो इतनी प्यारी आ रही है। ओए मुंह तो सीधा कर, चला ये कहाँ गई है मेरी बाप चले मैं करा रही गाड़ी। दिलावर के एफ सिक्स आ रहा है ना, दिलावर के एफ सिक्स खिला रहे हो ना, खिला रहे हो ना, पता नहीं कौन खिला, ये खिलाएगी वो खिलाएगा, तुम्हारे घर से वापसी गया हूँ। गाइस हम जा रहे हैं KFC खाने। ये जो बंदा है ना ये हमें जहाँ पे ये जॉब करता है ये वो वाले KFC लेके जा रहा है और इसकी शक्ल पे वो हमें फ्री में KFC देंगे। वो मेरे सारे डाले आ गए, चला गए गोदी में आ जाओ तुम, सर बाहर रह गया उसका। सही तरह बननी हुई है, क्या हो गया उनको जाके बोलते हमने ये खाना है प्लीज ऑर्डर प्लेस करते हैं। और कैसे प्लेस होता है ऑर्डर, वरना बहरे थोड़ी ना घूंगी यार। ये सिगरेट कौन पी रहा है, ये पी रहा है सिगरेट यार, तुम कैसे खराब इंसान हो। पिलाइएगा, क्यों पी रहे हो सिगरेट, पिलाइएगा आवाज खोल। क्या बोल रही है आप, क्या बोल रही है, कनेक्ट नहीं हुआ क्या, सिगरेट जैसा तेरा मुंह है। ये हम KFC के अंदर गाड़ी लेके जा रहे हैं, चलो अंदर लेके चलो गाड़ी। ये कहाँ लाए हो पेप्सी कोला, KFC कहाँ है, आगे है। ये KFC के नाम पे अंडे वाला बर्गर तो नहीं खिला रहे शायद। रोड पे भी करना शुरू कर दिया मैंने ये काम, बेटा ले ऐसे लेके गया ना पता चलेगा। बताओ रेफरेंस दो अपना, रेफरेंस दो अपना, उनको दो फ्री में खिलाओ, रेफरेंस दे रहा है कह रहा है अपना रेफरेंस देता हूँ फ्री में खिलाएंगे। हमारा ऑर्डर नहीं आया, सबका आया। ड्रामे कर रही है यार, इतने इतने ड्रामे कर रही है। Give me your hand.
give me your hand. Deal is a deal. Yeah, man. तुम नहीं मारा उतने पैसे में। ये तुम पे काट सकते हैं। यार ये तो गलत बात है। ये देखो इसने मुझे काटा है। अभी अपना हाथ नहीं दे रही है। यहाँ काट लो, इतना बड़ा हाथ है। काट के नाम दूसरे का दे दे। यहाँ पे काट, यहाँ पे। तेरे हाथ जल्दी कर। जैसे एक टैटू तुम्हारा है, जैसे उसका बना दो। तुमने पागल हो गई हो। इन लोगों ने सबने बोला गरम है। A few moments later. तो हमारी राइड आ गई है, अब हम बस सैलून जा रहे हैं और होपफुली कि हम टाइम तक वहाँ पहुँच जाएँ, पर क्योंकि मुझे ट्रैफिक नज़र आ रहा है तो आई नो हम लेट हो जाएंगे। तो बस अभी अभी हम यहाँ पहुँचे हैं एंड लेट्स गो इनसाइड। तो हम B&W सैलून आ गए हैं और मैविश को करवाना है हेयर कलर, तो मैविश यहाँ बैठ के वेट कर रही हैं और मेरी बारी है, तो मैं अंदर जाके फिर अपना फेशियल कराऊंगी। सबसे पहले मेरी वैक्स होगी एंड देन फेशियल होगा। मैविश को मैंने बाहर छोड़ दिया है क्योंकि उसने हेयर कलर कराना है एंड मैं सोच रही हूँ अपने बाल कटा लूँ, कटा लेने चाहिए आई गेस। एनीवेज देखते हैं इसके बारे में बाद में। सो यस स्टे ट्यून्ड क्योंकि अब मैं गाउन चेंज करने लगी हूँ। वेल मसाज कराते कराते दोनों मेरी आंख लग गई थी और जैसे आँख खुली तो पता चला सब कुछ हो गया है। अभी मेरा पेडिक्योर रहता है जो मेरा कराने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा क्योंकि आई एम टायर्ड, आई एम स्लीपी, सो आई गेस छोड़ देना चाहिए। और पता नहीं अब मैविश का कितना काम रहता है। वेल मैं तो फ्री हो गई लेकिन ये मैडम अभी भी यहाँ की यहाँ बैठी हैं, तो इसको देख के पता चल रहा है कि इसको भी मज़ीद और टाइम लगेगा, इसलिए मुझे यहाँ पे बैठ के वेट करने से ज़्यादा बेटर लगा कि मुझे पेडिक्योर करवा लेना चाहिए। तो अब बस मेरा पेडिक्योर स्टार्ट होने वाला है एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। हाँ तो बस अब इसका यहाँ पे वॉश हो रहा है, उसके बाद मैं भी कटिंग करवाऊंगी एंड देन विल गो बैक होम। आई एम डन विद माय कटिंग। तो मैंने आगे से बस बैंग्स करवाए हैं और पीछे से शॉर्ट करवाई है और महविश की भी ट्रिमिंग हो रही है और मेरे बाल तो मुझे अच्छे लग रहे हैं मैंने क्योंकि शॉर्ट करवा लिए हैं। बाकी अगर अच्छे नहीं लग रहे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। बाकी अब मैं बस फ्री हो चुकी हूँ और अब बिल पे करके देन आई विल गो बैक होम। और काफ़ी दिनों बाद सैलून आके ट्रस्ट मी मुझे बहुत अच्छा सा फील हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इस सैलून की वाइब तो इतनी मज़े की है ना दैट आई ऑलवेज थिंक अबाउट कमिंग बैक। हम सुबह से निकले हुए हैं एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक होम। अंधेरा लग रहा है बहुत ज़्यादा, अंधेरे में बैठी हुई, रात हो गई है इतना टाइम हो गया और अब पहुँचते पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। लेट्स सी। तो हम घर आ चुके हैं और घर आने के बाद हमने बेबी को दिया है सरप्राइज। क्या दिया बेबी क्या दिया है? मैं नहीं खोल के दूंगी फिर। चलो बेबी को नहीं दिया, ये हमारा सरप्राइज है, इसमें बंटी है और ये मैं खाऊंगी। और ये मैं खाऊंगी। इतनी छोटी सी बंटी, ऐसे इतने पैसे लगाए। ये मेरा है, ओके एंड बंटी इज योर्स, ओके ओके गिव मी किची, थैंक यू। अगर
यम्मी। घर आ गई हूँ और मैं कल से सोई नहीं हुई हूँ, तो आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप। और क्या, हाँ तो मैं इस व्लॉग को सिर्फ अभी इसी वक्त इधर ही एंड करने वाली हूँ। आई होप यू गाइज हैव लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिलो। बाकी जल्दी मिलते हैं, और अभी तो बहुत शोर हो रहा है तो मुझे नहीं पता कैसे सुना है, पर यस जिसने लाइक नहीं किया प्लीज़ गो अहेड लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड आलू इधर आओ, एक चीज दूंगी इधर आओ, कम हियर चॉकलेट दू। अब उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं, अब नहीं आया, आओ इधर आओ आलू, कम हियर इधर बोलो बाय बाय, फिर मैं आपको चॉकलेट दूंगी, बाय बाय करो, इधर आओ फोन में कैमरा में इधर आओ। ओके फाइन चलो चलें घर। ओके मेरा नहीं आ रहा, अपनी मर्जी के मालिक है। सो यस आई विल बी बैक सून विद अनदर व्लॉग, टिल देन बाय।